अगवाकार के साथ जज्बाती लगाओ, जुदा होते हुए हजारों का रोना। आज का मेरा टॉपिक एक ऐसा एक अनोखी नौीयत का टॉपिक है। ये क्योंकि मुनफरद सा टॉपिक है जिसका उन्वान कुछ इस तरह है, मजलूम का जालिम से हमदर्दी और मोहब्बत। ये टॉपिक आज का टॉपिक जो है वो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी और उनके कमेंट्स था, उनका क्वेश्चन था कि आप प्लीज़ मैम एक स्टॉकहोम सिंड्रोम या ट्रामा बाउंड पे एक वीडियो बनाएं। तो इस टॉपिक का जो ताल्लुक हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा है और इसके बारे में हमें अवेयरनेस और इसकी मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। मज़लूम का इसका अपने ही साथ बदसलूकी करने वाले शख्स से मोहब्बत और हमदर्दी के बारे में है। बज़ाहिर ये तो बात खिलाफ़े अमल मालूम होती है, मगर ये एक हकीकत है। 1973 में स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम में दो डाकू ने हमला कर दिया और चार लोगों को कई दिनों तक यरगमाल बनाए रखा। जब इन लोगों को आज़ाद कर दिया गया तो बाद में इन मुजरमों के खिलाफ गवाही देने के बजाय इन लोगों ने उल्टा डाकू के हक में आवाज़ बुलंद की और इनके बारे में उन्होंने बात करना शुरू कर दी। तब से माहिरीन नफ्सियात ने इस नफ्सियात की नफ्सियाती कैफियत का नाम स्टॉकहोम सिंड्रोम रखा है। इसे ट्रामा बाउंड भी कहते हैं, यानी जब इंसान सदमे की हालत में हो तो इस शख्स से जज्बाती लगाव कर बैठता है जिसने इसके साथ बदसलूकी या ज्यादती की हो। वो ज्यादती करने वाला शख्स बीच बीच में कुछ बलाइयाँ भी करता है जिसकी वजह से इसकी ज्यादती का शिकार होने वाला इंसान इस तजज्जुब का शिकार हो जाता है कि आया इसके साथ ज्यादती करने वाला शख्स वाकई में बुरा है या अच्छा है। इस मज़लूम को दूसरे खैरख्वाह लोगों से भी दूर रखा जाता है ताकि वो इस जालिम शख्स के बारे में नई राय काम ना कर सके। असल में इसके पीछे क्या वजह बनती है कि इंसान क्यों जो उसके साथ ज्यादती करता है उसी इंसान के साथ क्यों उसको हमदर्दी हो जाती है और क्यों वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता। जब इस कहानी में जो स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था, जब वो वहाँ से उन्होंने बाहर छोड़ भी दिया उनको, यरगमाल से वो निकल भी आए, तब भी आके उन्होंने उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने के बजाय उनके साथ हमदर्दी करना शुरू कर दी कि नहीं वो अच्छे भी हैं, उन्होंने ये अच्छा भी किया था हमारे साथ। तो इसी तरह इस होता कैसे है कि अगर इसके नतीजे में कोई दूसरे जो खैरख्वाह लोग होते हैं उसको बताते हैं कि आप ये काम इनके खिलाफ़ ये बंदा आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा, इसने आपको ज़ुल्म और ज़्यादतियों का निशाना बनाया तो आप इसके ख़िलाफ़ बात करें, तो इंसान उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करता। इससे जो लोग उसको जो खैरख्वाह आते हैं उनसे भी उसको नफ़रत होने लगती है, उसको लगता है कि ये लोग गलत कह रहे हैं, उसने हमारे साथ अच्छा भी तो किया था। तो इसकी मिसाल ऐसे भी है कि एक बच्चा अगर उसके साथ घर में उसके साथ जिंसी ज्यादती होती है या मेंटल उसको अब्यूज़ किया जाता है, लेकिन बीच बीच में जब उसके साथ अच्छाई की जाती है तो बच्चा जो पहले उसके साथ अच्छाई की थी उस राय को कायम कर लेता है और दोबारा से जो उसके साथ ज्यादती होती है उस ज्यादती को वो दोबारा से नई राय नहीं कायम करता। इसी तरह आप पार्टनर के हिसाब से ले लें तो जो रिलेशनशिप में अगर मेल अब्यूसिव है या फीमेल अब्यूसिव है, तो जब वो एक दूसरे के साथ या मेल है तो वो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ जब अब्यूसिव रिलेशनशिप रखता है तो बीच में ऐसा होता है कि वो कभी ना कभी उसके साथ जो है ना अच्छा सलूक भी कर लेता है और जिस वजह से उसका ये राय बन जाती है कि ये इंसान अच्छा है। और फिर होता ही है कि वो ये समझने लगते हैं कि जब मेरी ही गलती थी इस वजह से उसने मेरे साथ ज्यादती किया। अच्छा, इस ट्रामा बाउंड की स्टेजेस हैं और इस स्टेजेस 7 स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस के साथ साथ जो है ना इंसान अटैचमेंट जो ट्रामा बाउंड बनता है वो ट्रामा बाउंड बनना शुरू हो जाता है। अब इसकी दो थ्योरीज हैं, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी जो स्टॉकहोम सिंड्रोम
ट्रामा बाउंड क्या है, और दूसरा जो है वो यूनिवर्सल लॉस जो है उनकी थ्योरी के तहत ट्रामा बाउंड क्या है। तो जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहले उसके जो स्टेजेस आती हैं उन स्टेजेस को बता, ट्रामा बाउंड क्या है। ट्रामा बाउंड एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होती है एक अब्यूज़र और अब्यूज्ड पर्सन के दरमियान, और वो रिजल्ट होता है साइकिल ऑफ वायलेंस, बार बार उसके साथ गलत होने से। अब इसके साइंस क्या क्या हैं, साइन ट्रामा बाउंड के, ऑब्सेसिव फोकस ऑन अनदर पर्सन विद फेयर ऑफ, बहुत ज़्यादा होप होता है कि वो मुझे छोड़ जाएगा। नंबर दो पे है बाउंड्रीज नहीं होती, स्पेस नहीं होती, क्लियर अटॉनमी नहीं मिली होती। नंबर तीन पे इमोशनली एडिक्टिव हो जाता बंदा, और उसका साइकिल है कि वो पहले उसको रिजेक्ट करता है, फिर दोबारा से उसे दोबारा से उस साइकिल में आता है, फिर उसे एक्सेप्ट करता है। नंबर फोर पे उस पर्सन को फियर ऑफ पर्सन रिएक्शन दैट क्रिएट सिक्रेसी हाइडिंग बिहेवियर, जो अब्यूज़र होता है वो बार बार अपने रवैये को छुपाता है और बार बार ऐसे काम करता है, और जो अब्यूज़ ले रहा होता है उसको ये होप होता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए और वो रिएक्शन ना हो जाए। नंबर पाँच पे उसका बहुत ज़्यादा फोकस होता है उसके सेक्शुअल कनेक्शन पे, और उसको ये लगता है कि वो उसकी कम्युनिकेशन पे फोकस करता है, उसके उठने बैठने पे फोकस करने लगता है। नंबर छः डिनाइंग करता है और छुपाता है कि जो उसने उसको नुकसान दिया है, और वो अलार्मिंग सारी चीज़ सिचुएशन को छुपाने लगता है इंसान। नंबर सेवन पे उसको ये डिज़ायर होती है कि वो डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, उसको लगता है कि दोबारा से उस इंसान के साथ इमोशनली अटैचमेंट हो, बजाय इसके कि उसको बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन वो जो अब्यूज्ड जिस इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा था और उसे ये दोबारा से अटैचमेंट और इमोशनल क्रेविंग हो रही होती है। नंबर आठ पे है उसको अपने ऊपर एक क्रोनिक सेल्फ डाउट होने लगता है, उसको ये लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मेरे अंदर कमियाँ हैं और दूसरा इंसान ठीक है। तो अगर ये साइन आपके ऊपर हैं, आपके अंदर हैं, तो आप अपने ट्रामा बाउंड से निकलने के लिए थेरेपी ले सकते हैं। पॉसिबल ट्रामा बाउंड रिलेशनशिप में कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर वन, रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकता है, होस्टेज एंड किडनैपर में हो सकता है। नंबर थ्री, चाइल्ड अब्यूसिव केयर गिवर में हो सकता है, कुलीग्स में हो सकता है और फ्रेंड में हो सकता है। अब ट्रामा बाउंड की जो साइकिल हैं वो क्या क्या साइकिल हैं, उसकी स्टेजेस क्या हैं। सेवन स्टेजेस ऑफ ट्रामा बाउंडिंग है। नंबर वन जो है वो है लव बॉम्बिंग। सबसे जब ये स्टार्ट होता है तो पार्टनर होगा, कोलीग होगा, रिलेशनशिप में मैंने जो स्टेजेस बताए कि ये किस किस सिचुएशन किस किस एरिया में हो सकता है। तो अगर हम पार्टनर की मिसाल ले लें तो पार्टनर की मिसाल में सबसे पहले क्या होगा, लव बॉम्बिंग होगी। लव बॉम्बिंग का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे को केयर देना, उसके लिए सर्विसेज देना, जो भी इंसान की ज़रूरतें वो इतनी ज़्यादा पूरी करना कि दूसरे को इतना ज़्यादा एकदम से, जो किसी भी रिलेशन के स्टार्ट में डोपामिन रिलीज होता है जब दूसरे की तारीफ सुनते हैं, जब दूसरे को टाइम देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो सारा लव बॉम्बिंग होता है। मतलब एक ज़रूरत से ज़्यादा, और एक नॉर्मल जब किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो एकदम से जो बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया जाता है वो होता है लव बॉम्बिंग। नंबर टू पे है ट्रस्ट एंड डिपेंडेंसी। अब इस तरह से जब इतना ज़्यादा केयर और ट्रस्ट दूसरे के पार्टनर के ऊपर किया जाता है तो ये उसका दूसरी जो है ना ट्रामा बाउंड की स्टेज होती है। तीसरी स्टेज होती है क्रिटिसिज्म। पहले दो स्टेजेस में तो इंसान को बहुत अच्छा लग रहा होता है और इंसान दूसरे पार्टनर पे बहुत ट्रस्ट भी करता है, प्यार भी बन रहा होता है। अब जो तीसरी स्टेज आज होती है उसमें होता है कि जो इंसान एक दूसरे पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता। अगर आप कोई एक अब्यूज़र पार्टनर है तो वो उसके ऊपर पहले दो स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद तीसरी स्टेज वो क्रिटिसिज्म की स्टार्ट करेगा, और जब क्रिटिसिज्म स्टार्ट करे तो तब समझ जाना चाहिए कि कहीं ये अलार्मिंग, ये वो रेड फ्लैग है कि यहाँ पर इंसान को समझ जाना चाहिए। चौथे नंबर पे है गैस लाइटिंग। ये मैनिपुलेटिंग जो पार्टनर होता है वो जो खुद सोचता है वो सारी चीज़ें दूसरे के ऊपर थोप रहा होता है। मिसाल के तौर पे जो वो खुद अगर चीटिंग कर रहा है तो वो उसे पार्टनर से कहेगा आजकल तुम किस चक्कर में हो, आजकल तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो, या औरत है तो कहेगी आप आजकल किन चक्कर में, आप मुझे लगता है कि आपका कहीं बाय अफेयर चल रहा है।
एक्चुअल में होगा क्या कि वो जो अब्यूसिव पार्टनर है वो खुद कहीं दूसरी जगह इन्वॉल्व हो रहा होगा, वो गैस लाइटिंग करेगा। नंबर फिफ्थ पे है एडिक्शन। इसमें ये होता है कि जो उसको पॉजिटिव री इन्फोर्स मिल रही होती है, तो जो पार्टनर होता है ना, जो कि यूँ मजलूम होता है, वो एडिक्टिव होता जाता है इमोशनली। क्योंकि जब कभी अच्छा टाइम था, जब लव बॉम्बिंग की स्टेज थी, उन्होंने अच्छा किया था, उस टाइम से वो अपने पार्टनर के साथ उनकी इमोशनली अटैचमेंट बन गई, जो कि अब्यूसिव ने उसे री इन्फोर्समेंट दी थी। नंबर सिक्स पे है लॉस ऑफ सेल्फ। अब होता ये है कि जब इतना ज़्यादा 5 स्टेजेस गुजर जाती हैं, तो जो मजलूम होता है, जो अब्यूज सह रहा होता है, जो अब्यूज़र उसे दे रहा होता है, उसके नतीजे में उसे अपनी ही जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और अपनी ही जो सेल्फ एस्टीम है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसे नहीं पता होता कि मेरी अपनी भी कोई रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो इमोशनली एडिक्ट हो चुका होता है। वो बार बार दूसरे इंसान से अब्यूज़ लेने के बावजूद वो यही सोचता है कि नहीं, ये जो अगर उसने थप्पड़ मुझे मारा था तो उसमें तो प्रोवोक तो मैंने ही किया था, गलती तो मेरी ही थी, अगर मैं गलती ना करती तो वो मुझे ना मारता, तो उसकी इंटेंशन तो नहीं थी। तो इस तरह वो अपना आप ही खो देते हैं। नंबर सेवन पे है रेसिनेशन एंड सबमिशन। इसमें ये होता है कि इंसान अब एक टाइम ऐसा आता है 7th स्टेज पे कि वो अपने लिए लड़ना और अपने लिए आवाज़ उठाना और बात करना ही छोड़ देता है, और उसमें इंसान समझता है कि मैं हूँ ही इस काबिल और मेरे साथ होना ही ऐसे चाहिए, और मेरे साथ जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। अब ये जो जो बॉन्ड है, ये इस साइकिल को स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले अब्यूज़ स्टार्ट होता है, फिर मैनिपुलेशन होती है, और तीसरे नंबर पे दोबारा साइकिल इसी तरह, एक अब्यूज़ हुआ, मैनिपुलेशन हुई, दोबारा से माफ़ी मांगी, फिर से इंसान दोबारा उसी ट्रैप में चला जाता है। तो ये 3 साइकिल हैं, 7 स्टेजेस हैं। अब इनके सिम्टम क्या है, अब होता क्या है, इंसान को इसको इमोशनल क्रेविंग होती है, जब कभी उसके इंसान का अब्यूज़र के साथ कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको दोबारा से उसे ये क्रेविंग होती है कि फिर से जो है ना उसके साथ ताल्लुक बनाए और उससे बात करे, फिर एंग्जाइटी, और तीसरे नंबर पे फ्लैशबैक, जो पहले हुआ उसके साथ ज्यादती की जो बातें उसके साथ हुई वो सारी की सारी बार बार माइंड में दोहराई जाती हैं, वो बार बार चीज़ें उसके जहन में आ रही होती हैं, और इस तरह से उसको ऐसे लग रहा होता है कि ये मैं कैद हो चुका हूँ या कैद हो चुकी हूँ, और अब मैं इससे नहीं निकल सकती, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप बना था और उसे वो चीज़ें जो उसको एक चीज़ मिली थी, अब दोबारा से इंसान का बार बार ये उसको एक क्रेविंग, इसको एक अर्ज आ रही होती है कि नहीं, मुझे वो जो पहले मेरा एक अच्छा रिलेशन था मुझे वो ही चाहिए। इस वजह से वो इंसान ना तो उसको छोड़ के जाता है और ना ही उस इमोशनल बाउंड से निकलता है। अब इसके साइन क्या हैं, पहले नंबर पर है कि एक्सेप्टिंग ऑफ, वो ब्लेम जो अब्यूज़र है जो उसके ऊपर ब्लेम लगा रहा है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। नंबर टू पे उसको फीलिंग होती है कि मैं डिज़र्व करती हूँ कि मेरे साथ अब्यूज़ किया जाए। नंबर थ्री पे होता है कि वो जस्टिफाई कर देती है, जो मैंने पहले भी बताया कि जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं कि इसमें अब्यूज़र का कसूर नहीं था, मेरा ही था, मैंने ही गलत किया था, इसलिए उसने मारा भी है तो इतना ज़्यादा तो नहीं मारा था, वो तो उसे गुस्सा आ गया था और गुस्सा तो मैंने ही दिलाया था। बिलीविंग यू कैन चेंज, और एक नंबर फोर्थ उसको ये यकीन होने लगता है कि मैं इसको चेंज कर दूंगी, अब मैं जो जैसा चाहता है मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन अब्यूज़र हर दफ़ा नई ही चाल लेके आता है। उसके लिए जितना मर्ज़ी आप अपने आप को चेंज कर लें, जितना मर्ज़ी आप उसके लिए खुद को बदल लें, उसकी जो उस चाहता है आप उसकी वही माने, वो अगर चाहता है लोगों से ना मिलें तो आप नहीं चाहते, वो चाहता है कि आप बात ना करें ना जब गुस्सा, मतलब आपने पूरी की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो शख्स कभी भी चेंज ना होता है, ना ही उसकी कोई ख्वाहिश होती है, ना ही आप उसको खुश कर सकते हैं, और उसे वो नंबर फिफ्थ पे है एक्सक्यूजेस देने लगता है। अब इसके पीछे साइंस क्या है कि आखिर न्यूरो साइंस क्या है कि पीछे क्या रीज़न होती है कि एक अब्यूज़र के साथ ही एक जो है ना उसको ट्रामा बाउंड बन जाता है कि उसी के साथ उसको प्यार होने लगता है, उसी के लिए जस्टिफिकेशन देता, रीज़न होता ये है कि जब कभी उसने फर्स्ट जो स्टेज थी उसकी, फर्स्ट स्टेज में उसने लव बॉम्बिंग की, उसके लिए केयर की, उसके लिए अच्छा किया, वो उसका जो एक बिलीफ सिस्टम उसके लिए बन गया था वो नहीं चेंज होता,
बीच में जब वो ज्यादती करता है, फिजिकल अब्यूज़ करता है, मारपीट भी करता है, मेंटल अब्यूज़ भी करता है, तो उस वक्त इंसान को यही लगता है कि मेरी जान तो नहीं गई ना, कम अज़ कम इससे मेरी मौत वाक़या नहीं हुई। तो दिमाग जब उसको ये बात बताता है कि ये इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं, अगर इसने मेरे साथ गलत किया तो उसने अच्छा भी तो किया था। और एक और टर्म साइकोलॉजी की ज़बान में इसको इसमें होती है जो यूज़ होती है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब इंसान किसी कन्फ्यूजन या परेशानी का शिकार होता है तो उसका जो फ्रंटल लोब है, जो और जिसमें प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग होती है, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। जब वो डिसऑर्गेनाइज होता है, कोई फैसला करने के काबिल नहीं रहता, तो उस टाइम पे जो इंसान को दूसरा बंदा कहता है इंसान वही करता है। तो जब इसके साथ अब्यूज़र बार बार इस तरह के, जब कभी अच्छा करना, कभी उसके साथ बुरा करना, कभी उसको छोड़ के चले जाना, कभी उसको साइलेंस ट्रीटमेंट देना, कभी, और इसमें साइलेंस ट्रीटमेंट भी देते हैं कि कभी बगैर बताए बगैर वजह के वो चुपचाप आपके साथ मूड बना लेते हैं, तो उसमें उनको ये होता है कि अब उन्हें कोई समझ नहीं होती, जो दूसरा बात कहेगा वही उनका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो है ना डिसोनेंट क्रिएट होता है, जिसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अब हाउ टू प्रिवेंट ट्रामा बॉन्ड, किस तरह से इससे बचा जाए। एक तो ये है कि सबसे पहले इसके बारे में जाने, अवेयरनेस लें कि वाकई जो मेरे साथ हो रहा है ये क्या है, क्या मैं ट्रामा बॉन्ड में चली गई हूँ या चला गया हूँ। दूसरी बात ये है कि एकदम से आप जो है ना रिलेशनशिप से आउट नहीं हो सकते, उसके लिए चाहिए कि आप अपने खैरखाहों के साथ तल्लक रखें, उनके साथ बातचीत करें जो आपके साथ अच्छे लोग हैं, जो आपकी भलाई चाहते हैं। होता ये है कि इस ट्रॉमा में अगर कोई आपका खैरख्वाह है तो आप उससे भी बात नहीं करते, आपको लगता है कि मैं अब गीबत कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ इसके बारे में बता रहा हूँ। तो दूसरे नंबर पे ये है कि आप हेल्प सीख, किसी प्रोफेशनल हेल्प से सीकिंग लें, क्योंकि जो ट्रामा बॉन्ड होता है उसके PTSD हो जाता है और फ्लैशबैक होते हैं, उसमें आपका जो मेंटली इमोशनल अटैचमेंट बंदे के साथ जो एडिक्शन हो जाती है, पांचवी स्टेज जो है, उस एडिक्शन से आप खुद नहीं निकल सकते। तो एंड कोई भी जो थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, आपको कोई CBT की टेक्निक से, NLP की टेक्निक से और हिप्नोथेरेपी से आपके अंदर से जो उसके लिए बाउंड बना हुआ है उससे निकालेंगे। फिर जो आपका सेल्फ लॉस हो जाता है, आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम जो है ना वो लो हो जाती है, उसके लिए भी आपको कोई थेरेपिस्ट ही आपके ऊपर काम करके आपसे निकालेगा। और उसके बाद ये है कि जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो नंबर फोर्थ पे आता है कि आपने बाउंड्रीज अपनी सेट करनी है और रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करवानी है। नंबर फिफ्थ पे आपने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दोबारा से उस शख्स को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी। आपने ये देखना है कि मैं कैसे अपने लाइफ को लेके चल सकती हूँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बच्चे भी हो चुके हैं और ट्रामा बॉन्ड इस तरह का बन चुका है कि अब आप, पहली तो बात यह है कि जो अब्यूज़र बंदा है उसके साथ सर्वाइव नहीं है, उसके लिए बेहतर है कि अगर ऐसा है तो बंदा उस बंदे को छोड़ भी सकता है। लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, इसमें आप छोड़ तो नहीं सकते। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप उनके लिए एक डिटैच अटैचमेंट स्टाइल करें, पोजेशन उसकी ख़त्म कर दें और होप और एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। अब जब आप रियलिस्टिक, इसमें रियलिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक थेरेपी दी जाती है, ताकि एक जो आपको एक चीज़ पता है कि इंसान दूसरों के साथ यहाँ पे एक लिमिट तक हम एक ट्रस्ट और रिलेशन में रह सकते हैं। एट द एंड इंसान ने अपने अमाल का खुद जवाब देना है, और जो दुनिया में भी हुकूकुल्ला हैं और हुकूकुल इबाद हैं वो हमने खुद ही करने हैं और खुद ही उसका जवाब देना है। तो बेहतरीन यही है कि आप अगर किसी ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी में आपका रिलेशनशिप आ चुका है, बच्चे भी हैं और आप छोड़ नहीं सकते, तो सबसे पहले बाउंड्री सेट करें, डिटैचमेंट करें, पोजेशन कम करें, होप कम करें। ये मैं अपनी थेरेपी में मैंने कितने लोगों को जिनके ट्रामा बाउंड थे उनको रिमूव किया है और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे। तो यही हाल है कि आप अपने आप को अपनी कोई ना कोई बिजनेस करें, अपना कोई ना कोई स्टडी कंटिन्यू कर दें, अपने लिए कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर दें, कोई अगर टीचिंग करना चाहते हैं तो टीचिंग, मतलब अपने लिए कोई ऐसा कोई ना कोई दूसरा रिसोर्स तलाश करें जिसमें आप अपने आप को वहाँ बिजी करें।
क्योंकि इस ट्रामा बॉन्ड में इस कदर इंसान अटैच हो जाता है कि दूसरे की हर एक्टिविटी पे नज़र रखता है, वो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, उसकी बात करने पे, उसके हर हरकत और सकनात पे जो है ना वो नज़र रखता है। और जो ट्रामा जो होता है अब्यूज़र, वो तो आपको जेलस भी करवाता है, वो आपको आपको गैस लाइटिंग भी करता है। तो उसके साथ फिर हर वक्त उसी को नोट करते रहना, फिर जो अल्लाह ताला की याद है, जो अपने पर काम करना इंसान का, उससे भी जो है ना वो चला जाता है। तो बेहतरीन हल यही है कि अपने पर काम करें, अपने आप को बिज़ी करें, कोई ऐसा काम शुरू कर दें, कोई इतनी बिज़ी एक्टिविटी को स्टार्ट करें, वॉक करें, योगा करें, जिम जाएं, मेडिटेशन करें, ताकि जो आपका ट्रामा बॉन्ड है और इंसान के साथ रहना भी है, एक दूसरे की एज आ ह्यूमन नीड पूरी करें और नीड के साथ एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। जब एक्सपेक्टेशन होती हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दें और एज आ ह्यूमन अपने राइट्स लें, गिव एंड टेक के प्रिंसिपल पे काम करें, अपने राइट दें, दूसरे के राइट दें और अपने राइट लें, ना किसी पे सवार हों, ना किसी को अपने पर सवार होने दें। और इन सब के लिए बचने के लिए यही हल है कि पहले जब अगर आपको लगे कि ये स्टेजेस आपकी 7 स्टेजेस पूरी हो चुकी हैं, तो उस टाइम पे खुद से उसको ठीक करने की, अपने आप को ठीक करने की कोशिश ना करें, आप ज़रूर कंसल्टेशन लें और ट्रामा बाउंड से बचें। अब जो दूसरा थ्योरी थी, दूसरी थ्योरी ये थी यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक, जो सब ने सुना हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना है, तो जब हमारा बचपन में डोमिनेंट पेरेंट्स होते हैं या हमारा बचपन में कोई ऐसा ट्रामा है और उस वो ट्रामा हमारा दिमाग में पड़ा होता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि जो चीज़ हमने दिमाग में बड़ी करके रखी है, कलरफुल ब्राइट आवाज़ों के साथ और इन 5 सेंसेस के साथ ऐसे विविड तस्वीर बना के रखी हुई है, तो उसमें अब मैंने ज़िंदगी में मेरा अगर फादर डोमिनेंट थे और वो अब्यूसिव थे और इस तरह के टॉक्सिक थे, तो अब होगा क्या कि मेरा जो पार्टनर होगा, क्योंकि वो ट्रामा जो मेरा बचपन में मुझे मिला वो अगर मैंने रिमूव नहीं किया, तो जो चाइल्डहुड ट्रामा मेरा पड़ा हुआ है, तो मुझे पार्टनर भी ऐसे ही मिलेगा। तो अगर मेरा कोई ट्रामा ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है कि ट्रामा बॉन्ड ये कि जैसी मेरी एनर्जी है, वो मुझे दूसरा पर्सन भी वैसा ही मिलेगा उसी एनर्जी का। तो इसमें हमने ये भी देखना है कि मेरे अंदर एनर्जी कैसी है। इसमें भी मैंने काफ़ी लोगों के ट्रामाज रिमूव किए, और एक दो क्लाइंट ने खुद बताया कि आपने एक दफ़ा मुझे ये कहा था कि आपकी जैसी एनर्जी है वैसे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक बात जो मुझसे नहीं शेयर की हुई थी, उन्होंने वो भी शेयर की कि मैम आपकी बात ये वाली बिल्कुल ठीक है कि मेरी तरफ अगर कोई दूसरा बंदा आया, तो उसके उन्होंने एक अपनी एक फ़ीमेल दोस्त थी, उसकी बात सुनाई कि उसके साथ भी बचपन में ये ट्रामाज हो चुके थे और वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुई, इनसे बात करती थी, इनकी दोस्त बनी। तो जब मैंने ये बात की तो उन्हें वो बात बहुत क्लिक की, और उन्होंने दोबारा इस बारे में जो उनने एक चीज़ मुझसे नहीं डिस्कस की हुई थी वो भी उन्होंने डिस्कस की, और उनका वो ट्रामा भी रिमूव हुआ। तो वो यही था कि उनके साथ भी बचपन में एक ऐसा इंसिडेंस हो चुका था, जो उनकी दोस्त है उसके साथ भी हो चुका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एनर्जी एक मैच हुई, हमारा कोड मैच हुआ, तब हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो ये ट्रामा बाउंड भी है कि आपके अंदर, ये कहते हैं ना कि शक्कर होरे को शक्कर मिलती है, उसका मतलब यही है कि मैं जैसी मेरी एनर्जी है, जैसी मेरी थॉट्स हैं, जैसा मेरा बिलीव्स है, जैसे मेरे सोच है, वैसे ही लोग मुझे मिलेंगे। तो अपने अंदर अपनी इंटेंशन देखें, और अगर पास्ट के कोई ट्रॉमास पड़े हुए हैं तो आप इनर वेलनेस के लिए, आप इनर वेलनेस के कोर्स भी कर सकते हैं और उसके लिए थेरेपी भी ले सकते हैं, ताकि आपके अपने ट्रॉमास को ख़त्म करके आप एक अशरफुल मखलूकात बने और नायब बने। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं और आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिससे इसकी ज़रूरत है। और बहुत से लोग इस ट्रॉमा से मैंने निकाले हैं, अगर किसी का ट्रॉमा बाउंड है तो आप मुझसे कंसल्ट